सुजानगढ़ के कोठारी रोड का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर ओसवाल होली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सुजानगढ़ में पिछले 5 वर्षों से जिस तरह से होली का उत्सव मनाया जा रहा है लुहारा गाड़ा पर, वो पूरे राजस्थान में एक अलग पहचान बना चुका है। लेकिन इस बार का होली आयोजन अपने आप में अद्वितीय अनूठा होने वाला है, क्योंकि होली महोत्सव से पहले ओसवाल होली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आगाज यहाँ पर कल से होने वाला है। और जो बनोरी निकलती है वो इस बार ओसवाल होली महोत्सव के अंतर्गत पहले निकाली जाएगी, जिसका आयोजन निश्चित रूप से 16 तारीख को एक अनूठा आयोजन होगा। और आज आप देख रहे हैं तमाम लोग जो देश विदेश से यहाँ पर सुजानगढ़ में अपने जन्मस्थल पर आए हैं, इनका उद्देश्य एकमात्र यह है कि इस त्यौहार की जो खूबसूरती सुजानगढ़ में बनी है उसको और ज़्यादा 4 चांद लगा दिए जाए और होली का मज़ा अपने जन्मस्थान पर लिया जाए। इस उद्देश्य के साथ पूरी टीम यहाँ पर पहुँची है और अभी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रहा है। सुजानगढ़ ओसवाल होली महोत्सव का आयोजन हो रहा है और ये वो कार्यालय है जहाँ से पूरे कार्यक्रम की व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं और भव्य कार्यक्रम होने वाला है, जिसकी जोरदार तैयारियां चल रही हैं। पूरी टीम अपना कार्य कर रही है, यहां से सभी के परिचय पत्र और सभी की जानकारियां यहां से हासिल की जा रही है। पूरे कार्यक्रम का विधिवत संचालन हो रहा है, एक पूरी टीम है, कोई पदाधिकारी नहीं है, लेकिन एक एक व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है, अपने ड्यूटी में लगे हैं, हर कोई अपनी भूमिका को बखूबी अंजाम दे रहा है। क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम है तो एक व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता है, इसके लिए पूरा समाज एकजुट होकर कार्य कर रहा है। अलग अलग विभाग बना दिए गए हैं प्रत्येक कार्य के लिए। सुजानगढ़ ओसवाल होली महोत्सव की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित की जा रही है। होली के अवसर पर एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। निश्चित रूप से सुजानगढ़ के होली महोत्सव को यह कार्यक्रम 4 चांद लगा देगा। पूरी आयोजन कमेटी आप देख रहे हैं इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और प्रेस वार्ता यहाँ पर आयोजित हो रही है। अभी काफ़ी लंबे समय से कार्यक्रम की तैयारियाँ चल रही हैं और कल से कार्यक्रम का आगाज होने वाला है। ये कार्यालय का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ से पूरे कार्यक्रम का संयोजन किया जा रहा है, सभी के परिचय पत्र बांटे जा रहे हैं। सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं ओसवाल सुजानगढ़ को ओसवाल होली महोत्सव की तरफ से आपका हमारा कार्यक्रम 15 तारीख से शुरुआत करता हूँ। ओसवाल होली महोत्सव की तरफ से हमारा कार्यक्रम 15 तारीख को शाम से शुरुआत होगी, उसमें केवल चंद के साथ धमाल और उसके बाद 16 तारीख को प्रोग्राम की विधिवत हम लोग शुरुआत करेंगे। उसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम, बच्चों के कार्यक्रम, महिलाओं के कार्यक्रम और शाम को होली पर जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, होली के जो गीत हैं, जो राजस्थान के गीत हैं, सुंदर प्रस्तुति के लिए सीमाजी मिश्रा उनका कार्यक्रम है। 17 तारीख को हमारा सुबह बच्चों का कार्यक्रम है और 16 तारीख को हमारा एक बर्नौली का कार्यक्रम है। 16 उसकी जानकारी हमारे बर्नौली प्रभारी आपको देंगे। 17 तारीख को शाम को बॉलीवुड नाइट, जो आज की युवा पीढ़ी के साथ हमने राजस्थानी संस्कृति को मिक्स करके वो युवा पीढ़ी को एक उसको आकर्षण का बिंदु मान के रविंद्र जी उपाध्याय कलाकार बॉम्बे से उनका उनका कार्यक्रम किया हुआ है। मैं आपको संक्षेप में बताया, बर्नौली की जानकारी हमारे बर्नौली प्रभारी हरक सिंह जी बांटिया देंगे। उसके बाद समाज की जो और व्यवस्था की जानकारी है वो प्रदीप जी और आदित्य देंगे। होली के त्यौहार पर आपने एक बर्नौली को आयोजन एक मुख्य आयोजन रहे और विभिन्न तरह की बर्नौलियाँ निकले। अब की बार जो ओसवाल समाज को होली महोत्सव को प्रोग्राम चल रहे हैं, इनमें भी एक बर्नौली को आयोजन करिए। ये बर्नौली का आयोजन आज शहर की मुख्य मार्गों होती हुई बर्नौली शहर में घूमती हुई सगड़े चारों में निकल करके गंतव्य स्थान पर पहुँची, भांति भांति का एक मायने सांगा सी, सब तरह का साग, ऊंट, घोड़ा, रथ, बग्घी, हाँ सबको लवाजमों सागरे सी, एक साई लवाजमा का हिसाब हुआ बर्नौली निकल सी और सब तरह का सांगिर मायने राजनीतिक दृष्टिकोणों, सामाजिक, पारंपरिक और होली का जगह हंसी खुशी मजाक का जो होली अपना त्यौहार है वो मिलता जुलता अनेक बात का सांगा सी और सब लोग इन्हें देखने के लिए और देश विदेश उन जगह भाई लोग आए भाई में भाग लेने के लिए बहुत मतलब प्रति एक एक क्षण इंतजार करके ये आयोजन ने सफल बना सी। और मारो मानना है कि जितों मैं मान रहा भी से भी वो बर्नौली का आयोजन है जो बहुत बढ़िया बर्नौली का आयोजन हो सी और अपनी संस्कृति ने एक नयो रूप मिल सी। ये भावना सागर सब भाई लोग राम राम।
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी ओसवाल परिवार हैं सबके तीनों पीढ़ियों का एक समावेश हो। जो जान पहचान छूट गई है पिछले कुछ सालों में, ये देखा गया है कि हम अपने ही गली में रहने वाले, अपने ही परिवार के भी कुछ सदस्यों से हम परिचित नहीं हैं, तो एक ऐसा माहौल हम लोग बनाने की चेष्टा कर रहे हैं कि हम सब एक दूसरे को जाने पहचाने, कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताएं। करीब 1835 में जब चौपड़ बाजार बसाया गया था, जिसे घंटाघर कहते हैं, उसमें भी ओसवालों के लिए एक बहुत ही फख्र की बात है कि 4 में से 3 परिवार ओसवाली थे। और ये भी एक हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है कि इसी वर्ष 2019 में ही महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया की भी 100वीं जयंती है, बर्थ सेंटेनरी ईयर है कन्हैयालाल जी सेठिया का। तो इन्हीं भावनाओं के साथ हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया। ये कार्यक्रम की कल्पना करीब अक्टूबर में की गई, जब एक दूसरा कार्यक्रम सुजानगढ़ में चल रहा था, तभी जो भी लोग यहाँ बैठे हैं सब लोगों ने एक निर्णय लिया कि हमें कैसे भाग के कितने प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सुजानगढ़ के बाहर से हमें उम्मीद है कम से कम 1000 से 1100 लोग आ रहे हैं, 500 परिवार के लोग आ रहे हैं, और यहाँ पे जितने निवास कर रहे हैं 200 परिवार से भी ज़्यादा लोग अभी यहाँ पे निवास कर, इसके 500 लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। विदेश से भी आने इस महोत्सव में जितने भी ओसवाल भाई बहन और आए हुए हैं बाहर से, दूर दूर से, कतर से, और जितने भी ओसवाल बंधु आए हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि इस प्रोग्राम की गरिमा को बनाए रखेंगे और आगे भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। इस होली महोत्सव समिति में हमने जो प्रशासन से सहयोग मांगा था, यहाँ के SDM साहब से, यहाँ के सभापति महोदय से, SP साहब से, शेर साहब से, और अन्य सभी विधायक जी से, मास्टर भी मोहनलाल जी मंत्री साहब से, तो सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा है। और सब ने यहाँ जी जोड़ के मेहनत करके उन्होंने कहा भी है हमें कि हम इस प्रोग्राम में आएंगे, और इसको प्रोग्राम के जो भी हमने उनको निवेदन किया उसको स्वीकार किया है, इसलिए इस समिति की ओर से उन सबको धन्यवाद भी देना चाहते हैं। जो हमारे कार्यक्रम की हमारी जो संकल्पना थी कि ओसवाल समाज में प्रेम और भाईचारे की भावना बढ़े, इसी उद्देश्य से ये प्रोग्राम हम लोगों ने शुरुआत की थी, और जिस तरह से लोगों का प्रतिसाद मिला वो हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। हम पूरे समाज को विश्वास दिलाते हैं कि हमारी पूरी टीम, होली कमेटी की पूरी टीम जो 92 आदमी है, सभी संयोजक है, कोई भी उसमें ऐसा नहीं है कि बिना पद और बिना नाम के कमेटी काम कर रही है, और इस समाज के लिए बहुत अच्छी परंपरा है। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़े और लोगों में आपसी सामंजस्य बढ़े। धन्यवाद। ये आपके प्रेस वार्ता के लिए हमने अपना एक जगह सुनिश्चित की है प्रोग्राम के लिए, आपको प्रोग्राम की सारी जानकारी हम दे देंगे, आप जरूर जरूर इसमें पत्रकार व हमारा कार्यक्रम को इस प्रोग्राम के लिए हमने करीबन 1700 से 1800 लोगों को कांटेक्ट किया था दिल्ली, इंडिया, वर्ल्ड में, जहाँ भी हमारे पास डेटाबेस बना था। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीबन प्रवासी निवासी मिला के इस प्रोग्राम को 1800 लोग अटेंड करेंगे, जिसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, यंगस्टर भी हैं, लेडीज़ भी हैं। तो इसके लिए हमने एक ऑनलाइन फॉर्म बनाया था गूगल शीट, उससे हमारे पास बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। और इसके बाद हम एक पूरी डायरेक्टरी बना देंगे, जिसे ओसवाल समाज के जो भी लोग पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी रहते हैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेसेस, क्या उनका प्रोफेशन है, वो भी इसमें पूरा एकोमोडेट हो जाएगा, और ये फ्यूचर में डेटाबेस हमको बहुत काम आएगा। भाई एक फ़ोन करता ऐसा जन आया, ओ माँ को बहुत बड़ो सौभाग्य है, और ये वास्ते में जितना ही माँ का पत्रकार महोदय है, प्रिंट मीडिया को बता रहे हैं, मैं माँ को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सुजानगढ़ के लिए इस बार की होली बहुत खास होने वाली है। पिछले 5 वर्षों से मैं पहले कह चुका हूँ कि लुआरागाडा की होली पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध हो चुकी है, लेकिन इस बार ओसवाल होली महोत्सव का इंतजार लोगों को है, और वो कार्यक्रम पहले शुरू हो रहा है। कल 15 तारीख से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, कल रात्रि में चंग का कार्यक्रम है, 16 तारीख को बंदोरी है जो कि खास रहती है हमारे सुजानगढ़ की, और इस बार बहुत बड़ी तैयारियां इस कार्यक्रम के लिए की गई हैं, और 17 तारीख को भव्य कार्यक्रम होंगे जिसमें स्वर कोकिला, जिसको राजस्थान की लता मंगेशकर कहा जाता है, वो सीमा मिश्रा प्रस्तुति देने वाली है, बॉलीवुड का कार्यक्रम होने वाला है। ये सारे कार्यक्रम आप देख रहे हैं, भव्य स्तर पर इसकी तैयारियां चल रही है, युवाओं ने अपनी बात कही है, सबको इनवाइट किया कि आप सब लोग आएँ, और 21 तारीख तक जब तक कार्यक्रम लुआरागाडा पर चले तब तक सारे लोग जो देश विदेश से आए हैं, ये बताया जा रहा था कि लंदन, ब्रिटेन, अरब कंट्रीज से ओसवाल समाज के लोग पहुँचे हैं, और निश्चित रूप से लोगों को इंतजार है कार्यक्रम के आगाज़ होने का। युवाओं से बातचीत के बाद में कुछ खास लोगों से बातचीत, सर नाम क्या आपका? विनोद बागरेचा। कहाँ से पधारे? मैं कलकत्ता रहता हूँ, सुजानगढ़ से ही हूँ।
सर क्या लगता है इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है आपके? इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी जो एक चीज़ दिख रही है वो ये है कि कोई भी कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम बहुत आयोजित होते हैं, उनमें आयोजक होता है, प्रायोजक होते हैं, लेकिन इसमें तो मतलब जी बोले नहीं देश के मायने क्या बहुत ही काम करे। तो एक मैं कौन काम करे कोई नहीं ठा को नहीं, मन लगा मैं करूँ, मन लगा ये करे, सब ने लगा मैं मांगो काम कर रही हूँ। तो वो बहुत ही आयोजन कर रही है, किरो नाम आपके ठीक देखे हुए तब बैनर लगे है पूरे सुजानगढ़ में नहीं पूरे हिंदुस्तान में। तो भी वास्ते युवाओं को जो उत्साह है बिना नाम का आजकल काम करने मिले को नहीं, नाम दो रुपया देवे सौ को नाम करनी चाहे, लेकिन अठे बिना नाम के तन मन धन सब लाग रहा है। ये वास्ते वो प्रोग्राम तो अद्वितीय हुई सी में कोई डाउट ही को नहीं। आप सुनने भूत कार्य करे और मैं कहूँ भूत कार्य करे तो अभूतपूर्व कार्यक्रम भी होने वाला है, क्योंकि जहाँ पर कोई पदाधिकारी नहीं है, जिस पर कोई नाम का किसी को मन में लालच नहीं है, सारा समाज एकजुट होकर कार्यक्रम कर रहा है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। वरना बड़े आयोजनों में मैं अध्यक्ष, मैं मंत्री, मैं सचिव, लोग आगे खड़ा होने का कार्य करने लगते हैं, जिसमें समाज में एक टकराव की स्थिति पैदा होती है। लेकिन जब समाज एकजुट होकर एक ही बैनर के नीचे खड़ा हो जाता है तो समाज के लिए एक बहुत बड़ा अवसर हो जाता है। और ये सारे लोग आप देख रहे हैं जिनके चेहरे पर साफ ये समर्पण का अभाव झलक रहा है कि हमें कुछ नया करना है। सर एक बार आप आ गए, एक ये बोल चुके हैं सारे लोग एक बार, क्या नाम है सर आपका? संतोष बागरी सर। कहाँ से पधारे? कलकत्ता से पधारे। हाँ, सर आपको क्या लगता है, क्योंकि वर्षों का पुराना इतिहास ओसवाल समाज का है, आप लोगों ने कभी इस तरह का आयोजन नहीं किया, युवाओं ने जब ऐसा आयोजन आपके नेतृत्व में किया है, आपके आशीर्वाद से किया, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बढ़िया प्रोग्राम होगा, ये बच्चों का बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और तैयारियाँ बहुत अच्छी हुई है। मैं कहूँगा इस कार्यक्रम का जो माहौल बनेगा वो बंदोरी से बनेगा। मैं एक बार पूर्व खड़क सिंह जी से बातचीत करना चाहूँगा जो कि बंदोरी स्पेशलिस्ट है, लोअर अगाटा की बंदोरी में भी आपका सबसे बड़ा योगदान रहता है। खड़क जी बताएं क्या खास होने वाला है, कुछ पत्ते खोले आप बताने नहीं चाहते मुझे। स्पेशलिस्ट तो कुछ को नहीं हुआ जी, स्पेशलिस्ट तो बंडोली में बढ़ने वाला पर निर्भर करे, सांग तो बने जाए बंडोली सुधरे। और इनमें तो विचित्र अलग अलग तरह का सांग उसी, और कुछ जिया बार थे बोले ही हो गए थे बताओ कौन सा हो, तो कुछ सिगरेट भी रेड़ो चाहिए जाए नहीं जो आकर्षण खत्म हो जाए। और आप चाव आगे जो सोच रहे हो क्यों बिना बढ़िया आकर्षा और बहुत बढ़िया बंडोली निकल सी भव्य और सभ्य, अपनी सभ्यता और अपनी जी की संस्कृति है बिरी बिन कायम रखने के लिए यो काम हो रही है। और भाईचारों की भावना जी की अपना में है, क्यों होली को त्यौहार ही है, ज्ञान को त्यौहार है, कि होली के ऊपर सगड़ा बोगा अपना मारवाड़ी मुखावे थे कि फूड को मेल फागड़ में उतरे। तो होली का मायने तो कहें मन का सगड़ा मेल दुब जावे, ये वास्ता वो कार्यक्रम है। और सह बाचा गाल गड़े में साथियाँ खेलो खेलो पागड़ियों, यहाँ की होली खेल छियाँ और यहाँ की बंडोली निकल सी कि अपनी एक मिसाल बन सी। बिल्कुल, इसीलिए मैंने दोबारा बात की, अब अपने पूरे रंग में नजर आए खड़क सिंह जी, और सही कहा है इन्होंने कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखें। होली पर देखने को मिलता है कि लोग असभ्य तरीकों को अपनाते हैं, लेकिन उस वक्त समाज का एक अलग पहचान रही है, उनके अलग गरिमा रही है कार्यक्रम की, और एक बहुत गरिमा में कार्यक्रम होने वाला है। मैं आपसे निवेदन करूँगा 15 तारीख से लगातार कार्यक्रम से जुड़े रहें, क्या कहेंगे? ओसवाल समाज की तो बात ही है, बाकी पूरे सुजानगढ़ में भी जड़ जड़ कार्यक्रम हुए हैं, हमारी समझ में कटे ही कोई नशा और असभ्यता की बात कटे ही को नहीं। आज आपने सुजानगढ़ एक मायने होली का कार्यक्रम का मायने राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल है। बहुत अच्छी बात कही है, और निश्चित रूप से पिछले 5 वर्षों में जो लोहरागाटा का कार्यक्रम है, जिस स्थान को बदनाम कर दिया गया था कि यहाँ पर गिंदड़ हो ही नहीं सकती, वहाँ पर पूरे सुजानगढ़ की गिंदड़ दो दो ढाई ढाई बजे महिलाएं अकेली आती है, अकेली जाती है, एक मिसाल है। और ओसवाल समाज ने इस बार के कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए हैं ओसवाल होली महोत्सव के माध्यम से। तमाम दर्शकों से निवेदन करूंगा कि अपने परिवार सहित तमाम कार्यक्रम में भाग लें और देखें कि इस बार की होली सुजानगढ़ के लिए क्या खास होती है। ACN सुलगले में शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी राजकुमार जी चोटिया के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।